गाइस, आज मेरा दूसरा दिन है नूसा पेनिडा में और मैं अभी हूँ मेरे होटल में जो कि होम स्टे, इसका नाम है ग्रिया होम स्टे। संपलन हार्बर के पास ही है, कुछ 5 to 7 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो अभी बजे सुबह के 7:30 और आज का प्लान है 3 स्पॉट कवर करने का। पहला है केलिंग किंग बीच, ऐसा कुछ नाम है उसका, और सेकंड है एंजल्स बिलाबांग करके है, और एक ब्रोकन बीच। यहाँ से कुछ 1 घंटा लगेगा टू व्हीलर से। तो सबसे पहले करते हैं ब्रेकफास्ट और आपको इसका थोड़ा टूर भी दे दूंगा मैं। हाँ, होम स्टे का अच्छा है, चीप में कुछ 800-900 रुपये लग गया था बस पर नाइट के हिसाब से, और ब्रेकफास्ट भी थोड़ा चीप मिल जाता है, फ्रूट प्लेटर वगैरह है यहाँ पर और वाईफाई भी इंक्लूड है। तो आपको एक टूर दे देता हूँ इसका प्रॉपर्टी का, फिर चलते हैं घूमने के लिए। तो यहाँ से हम आए थे संपलन पोर्ट से, ये रास्ते से, फिर यहाँ से अगर तुम देखोगे तो यही है वो होम स्टे, यहाँ पे वो खुद रहते हो और इस तरफ उनके होम स्टेज वगैरह हैं। ये हमारी रूम है और ये उनका कॉमन एरिया, और ये साइड इनका रेस्टोरेंट है प्राइवेट, यहाँ पे आप बैठ सकते हो, और यहाँ पे इनका कैरोके वगैरह है, अपनी फ्रूट प्लेट बुलाए हमने अभी। ये देखो ऐसे कुछ रूम है ये साइड, 1, 2, 3, 4 रूम्स है इनका। ये आप इन साइड इनका किचन है, ऐसे कुछ छोटू सा प्रॉपर्टी है लेकिन मस्त है, सस्ते में मिल जाता है। सबसे पहले ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट हो गया है, चलते हैं अपने निकलते हैं। ये रोड से जाना पड़ेगा जो हार्बर ला रोड है, और जाते वक्त भी हमारा दूसरा हार्बर है कुछ समाबू हिल करके, तो उसका भी यही रास्ता है। एक्चुअली जाते एक ही रास्ता है, मतलब ऐसा सीधा सीधा रास्ता है पूरे नूसा पेनिडा में। पहुंच गया मैं भाई केलिंग किंग बीच व्यू पॉइंट पे, यहाँ पे गाड़ी लगा दी है पार्किंग पे, और ये साइड जाना है अभी चल के, कम से कम 45 मिनट्स लगे टू व्हीलर से आने तक। यहाँ पे रास्ता अच्छा है लेकिन स्टीप है रास्ता, चलते हैं केलिंग किंग बीच तरफ। पार्किंग के हिसाब से ज़्यादा भीड़ तो नहीं लग रही, शायद आगे भीड़ हो सकती है। मस्त व्यू आ रहा है इसे, चलते हैं रास्ते से अंदर नीचे की तरफ है थोड़ा। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है और वॉशरूम के लिए चार्ज करते हैं 2000 इंडोनेशियन रुपया। वाव क्या नज़ारे भाई, पूरा ब्लूइश पानी है देखो, मस्त नज़ारे। ये वो फेमस फोटो स्पॉट जहाँ से लोग फोटो निकालते हैं, देखो अभी थोड़ी कम भीड़ है, बाद में बढ़ेंगी। यहाँ पे एक छोटा टेंपल भी दिख रहा है, मस्त दिख रहा है यार, एकदम पहाड़ के ऊपर है ये पॉइंट, ये पूरा सी का व्यू आ रहा है। देखो ये रास्ते से आप बीच पर जा सकते हो, लोग जा रहे हैं आपके, आधा 1 घंटा तो लगेगा ही नीचे जाने के लिए। व्यूज बहुत हार्ड दिख रहे हैं नीचे, लेकिन आने के लिए बहुत वाट लगने वाली है, मैं तो नहीं जाने वाला हूँ। पानी बहुत साफ सुथरा है, सब फोटो निकाल रहे हैं यहाँ पे, और एंडिंग है स्पॉट। ये स्पॉट हो गया हमें, अभी हमारा केलिंग किंग बीच, अभी प्लान है जाने का ब्रोकन बीच, और शायद उसके पास ही है एंजल्स बिलोंग करके। अब चलते हैं पार्किंग की तरफ, अभी बहुत भीड़ बढ़ गई है, जब हम आए थे तो कुछ भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन अभी बहुत लंबी लाइन लगी है फ़ोटो निकालने के लिए। चलो चलते अभी पार्किंग की तरफ। पहुंच गए भाई हम ब्रोकन बीच, राइट, केलिंग किंग बीच से यहाँ तक आने के लिए लगे 26 मिनट लगे आने के लिए। 5000 रुपीज़ पार्किंग है,
टू व्हीलर की यहाँ पे, कार की पता नहीं 10,000 होंगे। चलते हैं ब्रोकन ब्रिज देखने के लिए, फोटोज में तो देखा है काफ़ी सुंदर है, आज डायरेक्ट लाइव देखेंगे। फिर यहाँ से देखने के बाद वो एंजल बिलोबोंग देखेंगे अगर टाइम मिला तो, नहीं तो चलेंगे अपने होम स्टे की तरफ क्योंकि 12:30 बजे निकलना है मुझे बोट की तरफ। वहाँ से फिर हमारी फेरी है, स्पीड बोट है बाली के लिए। यहाँ पे भी काफ़ी गाड़ी लगी है, लग रही है बहुत। 12:30 बज गए हैं सुबह के, एक रेस्टोरेंट दिख रहा है। सुबह आ जाओ, अब ज़्यादा धूप नहीं लगेगी, जितना लेट आऊँगे बहुत ज़्यादा हर्ष होती है धूप। माय गॉड मस्त भी आ रहा है। पानी बहुत सुंदर है इधर का, पीछे ये वाला पॉइंट जो है ये है एंजल्स लबों, और यहाँ से हम जाएंगे बुरकन बीच की तरफ। मस्त है, पूरा समुंदर का पूरा व्यू आता है यहाँ से। बोट्स वगैरह जा रहे हैं यहाँ पे, स्नॉर्कलिंग है इसके लिए जा रहे होंगे। चलते बुरकन बीच, इधर से भी मस्त फोटो आ रही है, देखो सब लोग फोटो निकाल रहे हैं। यहाँ गए हम ब्रोकन बीच की तरफ, ये मेरे पीछे सब लोग फोटो खींच रहे, बड़ी भीड़ है यार। रास्ते भी कोई दिखता नहीं आते वक्त, लेकिन जैसे ही कोई व्यू पॉइंट पहुंच गया खतरनाक भीड़ मिल जाती है। ऐसा कुछ है ये ब्रोकन बीच, यहाँ से पानी आ रहा है वेव्स का। कितनी भीड़ हो रखी है, बहुत लोग आ रहे हैं अभी इधर ब्रोकन बीच की तरफ। अभी मेरा तो हो गया है, चलते हैं अपने होम स्टे की तरफ, टाइम हो चुका है जाने के लिए भी बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पे रुका हो एक जन रेस्टोरेंट पे, और ये आइसक्रीम लिया है 25 के, लगभग 120 रुपये काफ़ी इसको, बहुत भयानक गर्मी हो रही इधर। आ गया हूँ मैं अभी फाइनली मेरे होम स्टे, उनको बोला अभी टैक्सी करने के लिए, क्योंकि ये पोर्ट यहाँ से थोड़ा दूर है, पता नहीं ये पास वाला क्यों नहीं दिया, वो जो पैकेज किया था हमने वहाँ से उस अम्बाबू हिल पोर्ट करके, यहाँ से 7-8 किलोमीटर। तो यहाँ से अभी टैक्सी आने वाली है, फिर वापस से चलते पोर्ट, फिर वहाँ से स्पीड बोट पकड़ के। अभी 12:30 बजे, 1:30 बजे की स्पीड बोट है हमारी, और जाने के लिए 20-25 मिनट लग जाएंगे क्योंकि ट्रैफिक है और रास्ता भी बहुत छोटा है। अभी इनका बिल पेमेंट कर दिया मैंने, जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह या टैक्सी वैक्सी का सब चीज़ें था। अभी थोड़ा भर बैग पैक करता हूँ, चलो तो बाबा बोलने का समय आ गया। ये अपनी टू व्हीलर थी, टैक्सी आ चुकी है, चलते हैं पोर्ट की तरफ। ऐसा कुछ था भाई अपना होम स्टे का एरिया, यहाँ पे एक टेलकॉम सेल मोबाइल वोबाइल की शॉप थी, एक होटल हॉस्टल था, एक क्राइक हॉस्टल। चलते बोर्ड की तरफ। ये आ गया मैं हार्बर पे, यहाँ पे बोट्स लगे सारी। मैं जा रहा हूँ समाबू हिल फास्ट बोट्स कंपनी की तरफ, फिर वो ऐसे आई कार्ड देंगे हमको। कहाँ पे भाई ये लगी समाबू हिल, कहाँ पे लगी है? तो ये मिल गया टिकट, और ये आई कार्ड जैसा दिया है, जो भी यहाँ पे करना है वेट अपने को। 1:30 बजे की बोर्ड है, अभी 1 ही बजे है, करते वेट यहाँ पे, फिर बोर्ड आने के बाद चलते हैं। चलते हैं अभी अपनी स्पीड बोट की तरफ, ऐसा कुछ है इनका हार्बर, सारे बोट्स लगी है। अच्छा खासा हार्बर है, बड़ा है, कुसुम्बा का थोड़ा छोटा था। और यहाँ से पूरे सानूर के लिए ही बोट जाती है, ये आ रही है अपनी बोट समाबू हिल फास्ट बोट, एक कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी। और यहाँ पे सब रुके हैं,
बट क्या वेट करते हुए 90 से 100 लोग जाते एक बोट में शायद। वेट करते हैं और 10-15 मिनट है। चलो अभी अपने बैग्स चलते हैं अभी सेमिनायक ना नेक्स्ट स्टॉप बाली का। यह है सानूर पोर्ट, अच्छा खासा डेवलप्ड है। यहाँ पे अलग अलग बोट प्राइवेट बोट है, जैसे कोई एंजल बिलाबोंग करके है। वहाँ पर एयरपोर्ट जैसा है इनका अराइवल डिपार्चर, वेटिंग एरिया भी पूरा ऐसी है। अराइवल हॉल इस तरफ है, टॉयलेट भी है, अच्छा खासा है। तो सानूर पोर्ट पे तो आ गया था मैं, तो ये जो बंदा है जहाज से हमने टूर पैकेज किया था वो यहाँ पे खड़ा है, शटल वाला जो मुझे सेमिनायक सेंट्रल तक छोड़ देगा, फिर वहाँ से मुझे फिर से कैब करनी पड़ेगी मेरे होटल तक। पार्किंग में खड़ा है, बोल रहा है वो, उसने अपनी लोकेशन भेजी है व्हाट्सएप पे। यहाँ पे पूरा व्हाट्सएप पे चलता भाई, व्हाट्सएप कॉल, व्हाट्सएप मैसेज सब। अभी देखते हैं कहाँ पे उसका गाड़ी का नंबर पूछता हो, उससे मिलता हो फिर। अभी काफ़ी डेवलप है ये सानूर पोर्ट, क्योंकि बाली का मेन पोर्ट है। रहूँगा वो अभी ढूंढता उसका, फिर बाद में मिलता हूँ। ये है अपनी शटल, ओके। यस, ये वाला एरिया पूरा ढका है और बस दिख रहा है एकदम सिटी जैसा, बड़े बड़े रोड, अच्छा लग रहा है इधर आने के बाद। अभी तो मैं डियो डोमिनोज मिल जाएंगे खाने के लिए, वो बुद्ध में तो बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पे ड्रॉप कर दिया भाई शटल वाले ने, ये विंटैंग सुपरमार्केट के पास, सेमिनायक सेंट्रल ऐसा बोला उसने। अब यहाँ से मेरा जो स्टे है लगभग 4.5 किलोमीटर दूर है। उससे पहले यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट है कैलाश पर्वत करके, वहाँ पे सबसे पहले कुछ खा लिया जाए, मतलब कुछ लंच ऐसा कुछ खाते हैं पहले, फिर बाद में चलते हैं होटल की तरफ, क्योंकि भूख बहुत लगी है अभी। बस 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है रेस्टोरेंट, चलते पहले रेस्टोरेंट। और ट्रैफिक बहुत खतरनाक है यार इधर सेमिनायक में, अगर कार से आओगे तो डबल टाइम लगता है, टू व्हीलर से भी थोड़ा कम लगता है, लेकिन सबसे बेस्ट तो पैदल ही है। पैदल घूमो और जल्दी पहुंच जाओगे। और काफ़ी साफ सुथरा एरिया लग रहा है, शॉप्स भी बहुत सारे हैं शॉपिंग के लिए, और ढेर सारे फॉरेनर्स है यहाँ पे। ये आ गया अपना होटल कैलाश पर्वत, प्योर वेजिटेरियन है, सही है। अभी चलते अंदर करते हैं लंच। अच्छा दिख रहा है। तो अपन बुलाते एक सेव पूरी जो है 50,000 इंडोनेशियन रुपये, और एक छोले भटूरे, देखते कैसा आता है। तो ये आ गया भाई अपना सेव पूरी, इंडियन करेंसी में 250 रुपये का, देखते हैं कैसा इसका टेस्ट। और छोला भटूरा भी आ गया है, तीन छोले दिए हैं इसमें अलग अलग, एक पनीर वाला ऐसा कुछ बोल रहा था। तो ऐसा कुछ है फर्स्ट इम्प्रेशन सेमिनायक का, इधर भी बहुत जैसे छोटे छोटे रास्ते अंदर, मेन रोड बाहर के तो अच्छे थे, अभी वही छोटे छोटे रास्ते पर आ गए। दुकान भरे पड़े हैं दोनों भी साइड शॉपिंग के लिए,